हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने डेल्टन यूनिट है और इसमें क्या है, कंप्रेसर लगा होता है। ये जो है कंप्रेसर, कंप्रेसर जो होता है, कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं वहाँ पे क्या है, ओवरलोड लगा होता है ओएलपी, जिसे हम कहते हैं ओवरलोड, जो हीट को सेंस करके उसके बाद कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है। तो आपके सामने अभी देख रहे हैं, ये यहाँ पर क्या है UVW, उसके बाद जो है यहाँ पर ओवरलोड लगा है। जहाँ ओवरलोड नहीं लगा होता है वहाँ क्या होता है, उसके अंदर एक कैप्सूल टाइप होता है कंप्रेसर के अंदर, तो ये जो कंप्रेसर होता है कट होता है। बट उससे पहले क्या होता है, इंडोर की जो पीसीबी होती है, इंडोर की पीसीबी, अगर नॉन इन्वर्टर आपका एयर कंडीशन है तो वहाँ पे क्या है, इंडोर की पीसीबी में दो सेंसर लगे होते हैं, एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, एक कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। ये क्या है, रूम, जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है वो रूम के टेम्परेचर को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग वो कमांड पीसीबी को देता है, फिर ये कंप्रेसर जो होता है कट हो जाता है। ऐसे कॉइल टेम्परेचर सेंसर जो होता है वो जो होता है पीसीबी को कमांड देता है, फिर पीसीबी क्या होती है, कंप्रेसर को कट कर देती है। तो ये जो रूम टेम्परेचर सेंसर है, कॉइल टेम्परेचर सेंसर, ये सेंसर जो होते हैं कूलिंग को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग कंप्रेसर को कट कर देते हैं। बट जो कंप्रेसर होते हैं, कुछ कंप्रेसर यहाँ पे देख रहे हैं आप, ओएलपी लगा होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये कंप्रेसर जो होता है इसकी हीटिंग को सेंस करके उसके बाद इस कंप्रेसर को कट कर देता है। और कुछ कंप्रेसर ऐसे होते हैं वहाँ पे, जो कंप्रेसर होते हैं वहाँ पे क्या है, कैप्सूल टाइप, इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर जो आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो होता है ये भी कूलिंग को सेंस करता है, उसके बाद कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है। तो ये जो ओएलपी है या फिर ये सेंसर या फिर रूम टेम्परेचर सेंसर है, कॉइल टेम्परेचर सेंसर होते हैं, ये जो होते हैं कंप्रेसर को कट करने के लिए होते हैं। जब कूलिंग हो जाती है उसके बाद ये कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।